हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामनवमी क्लैशेस, जो रामनवमी में जो क्लैश हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, क्लैश मीन्स होता है जब दो गुटों के बीच में, दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, गृह मंत्रालय। सिक्स रिपोर्ट, तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। सिक मीन्स होता है मांगना, जैसे कि हेल्प, एडवाइस, ठीक है, कोई चीज़। सिक्स रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट मांगी किससे? फ्रॉम बंगाल गवर्नमेंट, ठीक है, जो बंगाल की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उससे ये रिपोर्ट मांगी है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, मगर यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल दिखा रहा है, ओके। स्टेट बीजेपी हेड, जो बीजेपी के मुखिया हैं राज्य के, एलेजेस, एलेजेस में से होता आरोप लगाना, ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया है, आरोप लगाते हैं वो पार्टीशनशिप का, ठीक है। पार्टीशनशिप मिस होता है पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली ये पॉलिटिक्स में यूज़ होता है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करना, ठीक है। तो उन्होंने किस चीज़ का आरोप लगाया है? पक्षपात का आरोप लगाया ऑफ कॉप्स, पुलिस के, ठीक है। किसमें? इन हैंडलिंग सिचुएशन, जो स्थिति थी उसे संभालने में जो पुलिस वालों के पक्षपात का आरोप लगाया, ठीक है। तो पार्टीशनशिप मिस होता है पक्षपात, ठीक है। आइए न्यूज़ पढ़ने से समझने की कोशिश करते हैं। द होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को सॉट अ रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है गृह मंत्रालय ने, फ्रॉम किससे? फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उससे। किस पर? ऑन द कम्युनियल क्लैशेस, जो सांप्रदायिक जो क्लैशेस हुए, जो संघर्ष हुए, लड़ाई हुई है, डेट ब्रोक आउट, जो भड़क उठी थी। ब्रेकआउट मीन्स होता है भड़क उठना, जैसे आग का, लड़ाई का, ठीक है। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के कई भागों में, ठीक है, सेवरल में सुता अनेक। ऑन रामनवमी, रामनवमी वाले दिन, ठीक है, पार्टिकुलरली, विशेषकर, ठीक है। तो मतलब विशेषकर क्या रिपोर्ट मांगी? द एक्शन, द पुलिस एक्शन, जो पुलिस की जो कार्रवाई है सो फार था, उसके बारे में एक रिपोर्ट मांगी है, ठीक है। इन व्यू ऑफ मिस होता है को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसकी एक वीडियो बनाएंगे अपने। इन व्यू ऑफ कंप्लेंट रिसीव, जो शिकायत है, जो प्राप्त की गई हैं, रिसीव की गई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। फ्रॉम किससे प्राप्त की गई हैं? स्टेट बीजेपी हेड, जो राज्य के बीजेपी के जो मुखिया हैं, उनसे। एलिजिंग, आरोप लगाते हुए, जो कंप्लेंट्स क्या कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, किसका? पार्टीशनशिप का, ठीक है, पक्षपात का, ऑफ द कॉप्स, पुलिस वालों के। इन हैंडलिंग द सिचुएशन, तो स्थिति को संभालने में जो उन्होंने, पुलिस वालों ने जो पक्षपात किया, उस पे आरोप लगा रही हैं, जो कंप्लेंट ये रिसीव की गई हैं स्टेट बीजेपी हेड द्वारा, ठीक है। द स्टेट चीफ सेक्रेटरी, राज्य के मुख्य सचिव, हैज़ बीन आस्ड, उन्होंने मांगी है, ठीक है, टू सबमिट द रिपोर्ट, रिपोर्ट जमा करने के लिए, टू द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, तो गृह मंत्रालय को उन्होंने एक रिपोर्ट जमा करने के लिए बोला है, ठीक है। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, ठीक है, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मीन्स होता है जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, ये भी अच्छा वर्ड है। सोर्सेस टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, जो सोर्सेस हैं, सूत्र, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि ऐसा हुआ है, ठीक है। अर्लियर ऑन ट्यूसडे, मंगलवार की सुबह या तड़के जल्दी, वेस्ट बंगाल बीजेपी चीफ, तो जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के जो चीफ है, मुखिया एंड एमपी और सांसद, सुकांता मजूमदार, ठीक है, जिनका नाम है, सेंट अ लेटर, उन्होंने एक पत्र भेजा, किसको? टू होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह को, ठीक है। इन विच, जिसमें, ही क्वेश्चन, उन्होंने सवाल उठाया, द रिस्पॉन्स ऑफ वेस्ट बंगाल पुलिस, जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उस पर सवाल उठाया, ये तो जो पुलिस किसके अंडर में है, अंडर इट्स प्रेजेंट डीजीपी मनोज मालवीय, तो जो वर्तमान में जो डीजीपी मनोज मालवीय है उसके तहत, ठीक है। टू, किस पे था ये सवाल उठा? टू द करेंट सिचुएशन, टू द करेंट कम्युनल सिचुएशन, जो वर्तमान में जो सांप्रदायिक जो स्थिति है इन द स्टेट, राज्य में, उस पर ये इन्होंने सवाल उठाया था, ठीक है, और जो किसके अंडर में चल रही थी, डीजीपी मनोज मालवीय के, ठीक है। ही एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, डैट की द स्टेट पुलिस हैड, जो स्टेट, जो राज्य की पुलिस है, हैड कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, लॉस्ट इट्स स्पाइन, लूज वंस स्पाइन मीन्स होता है कि रीढ़ की हड्डी खो देना, मतलब कि हेल्पलेस हो जाना, मतलब कुछ कर ना पाना, तो वो उन्होंने पूरी तरीके से वो हेल्पलेस हो गए हैं, एंड लॉस्ट इम्पार्शलिटी, और पक्षपात उन्होंने खो दिया है, ठीक है। इम्पार्शलिटी मीन्स होता है पक्षपात, तो लूज वंस स्पाइन मीन्स होता है कि बिल्कुल हेल्पलेस हो जाना,
कुछ ना कर पाना, खुद कोई खुद डिसीजन ना ले पाना, खुद खड़े ना हो पाना, खुद चल ना पाना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक राइट्स आर बीइंग कर्टेल्ड, कर्टेल मीन्स होता है कोई चीज़ कम कर देना, ठीक है, मतलब या फिर कम कर देना, छीन लेना या हनन करना एक तरीके से। तो जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं, लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, आर बीइंग कर्टेल्ड, उसे उसका हनन किया जा रहा है बाय किसके द्वारा, बाय पुलिस ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा, अंडर मालवीय, जो किसके तहत में है, मालवीय के तहत में है, ठीक है, जो DGP हैं। मजूमदार रॉड इन द लेटर, मजूमदार ने पत्र में लिखा, ठीक है, वाइल सीकिंग शाह इंटरवेंशन, शाह की, जो अमित शाह की इंटरवेंशन, हस्तक्षेप का मांग करते हुए, ठीक है, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, एंड रिक्वेस्टिंग, और अनुरोध करते हुए, डेट की पॉसिबल वायलेशंस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, ठीक है, जो पॉसिबल मिस होता संभावित, वायलेशन मिस होता उल्लंघन, किसके, सेंट्रल केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों के, ठीक है, तो जो उसके जो संभावित जो उल्लंघन किए हैं, एंड DOPT गाइडलाइंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, बाय IPS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर द्वारा, ठीक है। इंगेज्ड, जो इसमें इंगेज थे, जिनको काम सौंपा गया था, ठीक है, इंगेज मीन्स होता किसी को काम देना, इन किसका, इन हैंडलिंग द क्लैशेस, तो जो संघर्ष थे उसको संभालने का, बी लुक्ड इनटू, उन पर जाँच की जानी चाहिए, ओके। मजूमदार ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न, एक्सप्रेस कंसर्न मीन्स होता है चिंता व्यक्त करना, मजूमदार ने चिंता भी व्यक्त की, किस पर, ओवर कंटिन्यूइंग वायलेंस, ठीक है, जो लगातार जो बढ़ रहे जो वायलेंस है, जो हिंसा है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, राम भगत जो हैं उन पर जो लगातार जो बढ़ रही जो वायलेंस है, उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। हिंदू कम्युनिटी पे जो वायलेंस हो रहा है, ठीक है, एंड BJP लीडर्स, जो BJP के नेताओं पर, एंड वर्कर्स इन वेस्ट बंगाल, और जो वर्कर जो कार्यकर्ता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, उन पे जो वायलेंस हो रही है, जो कंटिन्यूइंग वायलेंस बढ़ रही है, उस पे चिंता व्यक्त की उन्होंने। एंड सस्पेंशन ऑफ ट्रेन, सस्पेंशन मीन्स होता निलंबन कर देना, थोड़े समय के लिए किसी चीज़ को रोक देना। सस्पेंशन ऑफ ट्रेन इन हुगली डिस्ट्रिक्ट, जो हुगली ज़िले में जो ट्रेनों का निलंबित कर दिया गया, इन द वेक ऑफ को ध्यान में रखते हुए, इन द वेक ऑफ की वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इन द वेक ऑफ स्टोन पेल्टिंग, जो पथराव को ध्यान में रखते हुए, एट रेलवे स्टेशनों पर पथराव को ध्यान में रखते हुए, तो ये ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया थोड़े समय के लिए। दिस कुड नॉट बी कंटिन्यूड विदाउट द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो रूलिंग पार्टी, जो सत्ता में पार्टी है, उसके बगैर, विदाउट द सपोर्ट ऑफ रूलिंग पार्टी, उस पार्टी की सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता था, ठीक है। डैट इज, वह है तृणमूल, उस पार्टी का नाम क्या है, तृणमूल, एंड इट्स टॉप लीडरशिप, उसके जो शीर्ष नेतृत्व है, सब मतलब कि जो टॉप लीडर्स हैं वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। ही एलिज, उन्होंने आरोप लगाया। इन द हैंडलिंग ऑफ क्लैशेस, संघर्षों के निपटने पर सवाल उठाते हुए, ठीक है, क्वेश्चन करते हुए, सवाल उठाते हुए, बाय बंगाल पुलिस द्वारा, ठीक है, तो ये बंगाल पुलिस पे सवाल उठाए गए हैं कि भाई उन्होंने किस तरीके से इस क्लैश को हैंडल किया है। मजूमदार रॉट, मजूमदार ने लिखा, इंस्टेड ऑफ मीन्स होता की बजाय, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द लाइफ, जिंदगियाँ बचाने की बजाय, एंड प्रॉपर्टीज, और सामानों को बचाने की बजाय, प्रॉपर्टी को बचाने की बजाय, ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनकी जान और उनकी प्रॉपर्टी को बचाने की बजाय, पार्टिकुलरली द हिंदूज अफेक्टेड, जो हिंदू जो अफेक्टेड जो प्रभावित हैं उन पर, ठीक है, इट इज़ हैरेसिंग एंड अरेस्टिंग दैम, तो जो पुलिस क्या कर रही है, इसे उन्हें परेशान कर रही है, हैरेस कर रही है, एंड अरेस्टिंग दैम, और उनको गिरफ्तार कर रही है, वाइल जबकि लुकिंग सिक, ये सिक का मतलब होता है कि न्यूज़पेपर वाले को मालूम है यहाँ पे कुछ गलत है, तो यहाँ पे टर्न अ ब्लाइंड आई होगा, ठीक है, टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स होता है आंखें मूंद लेना, आंखें बंद कर लेना, जबकि जो पुलिस क्या कर रही है, टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू द एक्चुअल कल्प्रिट्स, जो वास्तविक जो दोषी हैं उन पर आंखें मूंद रखी हैं उन्होंने, एंड क्रिमिनल्स, और जो दोषी जो अपराधी हैं उन पर आंखें मूंद रखी हैं, ये तो, ये दोषी कहाँ से हैं, फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी समुदाय है वहाँ से हैं, ठीक है, वैन दे कैन बी इजली आइडेंटिफाइड, उनको जब उनको आसानी से पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, फ्रॉम सीसीटीवी फुटेज से एंड वीडियो से, ठीक है, विच आर ऑलरेडी सर्कुलेटिंग इन सोशल मीडिया, जो ऑलरेडी क्या कर रही है, जो पहले से ही
मीडिया पे चल रही है, मीडिया पे वायरल हो रही है, सर्कुलेट मीन्स होता वायरल होना। ही एलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया डैट की दिस वॉज मैन टू मीन्स होता है इसका मतलब ये है, ठीक है, तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, दिस वॉज मैन टू प्लीज द चीफ मिनिस्टर, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री को खुश करना था। हु इज़ ब्लैटेंटली मीन्स होता ओपनली, खुलकर, हु इज़ जो चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हु इज़ ब्लैटेंटली अपीजिंग, खुश कर रहे हैं किसको, अपीज मीन्स होता खुश करना, जैसे तुष्टीकरण हिंदी में शायद बोलते हैं, ब्लैटेंटली मीन्स होता ओपनली, हु इज़ ब्लैटेंटली अपीजिंग द क्रिमिनल्स, जो अपराधियों को खुलकर खुश कर रहे हैं, एंड एंटी नेशनल फोर्सेस, और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको, ठीक है, फॉर किस लिए, माइनॉरिटी वोट बैंक, सिर्फ अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए, ठीक है, विच इज़ ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम हर, जो उनके हाथों से निकलता जा रहा है, ठीक है, ड्रिफ्ट अवे मीन्स होता कोई चीज़ धीरे धीरे दूर चले जाना। द स्टेट बीजेपी चीफ, जो राज्य के बीजेपी की जो मुखिया थे, रेज द मैटर, उन्होंने मामला उठाया, रेज मीन्स होता उठाना, ऑफ किसका, सीनियर पार्टी लीडर्स, जो वरिष्ठ पार्टी के जो नेता हैं, एंड MPs, जो MP थे, सांसद थे, ऐसे समझ लिए, वर नॉट बींग अलाउड, उनको अनुमति नहीं दी जा रही थी, टू विजिट द क्लैश हिट एरियाज, ठीक है, जो दंगा प्रभावित जो क्षेत्र थे वहाँ पे उनको विजिट, दौरा करने नहीं दिया जा रहा था। अनलाइक मीन्स होता विपरीत, किसके विपरीत, इन द केस ऑफ TMC लीडर्स एंड मिनिस्टर्स, जो TMC के जो लीडर्स थे, नेता थे, और जो मिनिस्टर्स थे, मंत्री, ठीक है, उनसे बिल्कुल विपरीत था, मतलब उनको जाने दिया जा रहा था, ये इन द केस ऑफ को भी हम देखेंगे, ठीक है। ही कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की डैट की इवन ही वॉज स्टॉप्ड, उनको भी रोका गया 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर दूर फ्रॉम रिशरा से, वेयर बीजेपी MP जो बीजेपी के जो सांसद हैं दिलीप घोष वर एलएसडी अटैक्ट, जहाँ पे दिलीप घोष को ऐसा LSD कथित तौर पे ऐसा कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, उन पर हमला किया गया था, ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है, ठीक है। सो गाइस, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और नए चैनल पे हम तो एक इन द केस ऑफ की वीडियो बनाएंगे, एक अनलाइक की, ठीक है, और मेन टू की तो मैंने बना रखी है, वो भी मैं डाल दूंगा, और एक इन व्यू ऑफ उसकी वीडियो मैं बना के डाल दूंगा नए चैनल पे। और गाइस, इसमें जो टॉप वर्ड्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, और न्यूज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।